काफी माथापच्ची के बाद महासुम भाजपा संगठनात्मक जिला के रामपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष की घोषणा होते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। नवनियुक्त अध्यक्ष के स्वागत और भावी रणनीति को लेकर चर्चा के लिए परिधि गृह में बैठक का आयोजन किया गया। काफी माथापच्ची के बाद महासू भाजपा संगठनात्मक जिला के रामपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष की घोषणा होते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। नवनियुक्त अध्यक्ष के स्वागत और भावी रणनीति को लेकर चर्चा के लिए परिधि गृह में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष ने पोलिंग बूथ अध्यक्ष को और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया। उनके सहयोग और साथ के कारण अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इस दौरान पार्टी मजबूती और क्षेत्र विकास के लिए चर्चा भी हुई। नवनियुक्त अध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि भाजपा हाईकमान ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है, उसमें वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वे रामपुर के भाजपा संगठन को एकजुट करेंगे। उन्होंने भाजपा नेताओं और संगठन का भी आभार व्यक्त किया कि उनके आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मिली है। बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और मैं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में रामपुर मंडल को एकजुट करने का प्रयास करूंगा और प्रदेश तथा देश में चल रही माननीय मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे ताकि रामपुर चुनाव क्षेत्र का विकास संभव हो सके। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चलाए छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।